जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने मरवाही से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मरवाही से विधायक व उनके पुत्र अमित जोगी इस बार महेंद्रगढ़ से अपनी दावेदारी करेंगे। जोगी ने पहले राजनांदगांव से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बाद में बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कहा वे चुनाव में नहीं उतरेंगे। अब एक बार फिर से अजीत जोगी का नया दांव सामने आया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अमित जोगी ने राजनांदगांव से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए यह फैसला लिया गया था, पर मरवाही वासियों का बड़ा दबाव है। अजीत जोगी के इस निर्णय से एक बार फिर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चा प्रारंभ हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर कहा कि राजनांदगांव सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ने के कारण जोगी ने इस राजनीतिक ड्रामे की पटकथा लिखी थी। मरवाही से चुनाव लड़ने की घोषणा से साबित हो गया है कि वह भाजपा की बी टीम है। क्या है पूरी खबर, क्या कहा अजीत जोगी ने, इस पर बात करेंगे हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी से। संजीव जी, एक तरफ तो महागठबंधन की आदेश को मानते हुए अजीत जोगी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिर्फ प्रचार करूंगा, और दूसरी तरफ वो उन्होंने मरवाही सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अजीत जोगी जी की राजनीति पिछले 3-4-5 महीने देखा जा रहा है कि कभी वो अपनी किसी बात को कहते हैं, फिर कभी अचानक टूट जाते हैं। अभी फिर ऐसा हुआ है, अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और नब्बे सीटों पर प्रचार करेंगे। अचानक उनका निर्णय बदला है और वो फिर मरवाही सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। असल में जनता कांग्रेस जोगी को ये लगा कि अगर अजीत जोगी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं जनता में, मतदाताओं में, प्रदेश मतदाताओं में कोई गलत संदेश न चला जाए, तो इसके मद्देनजर उन्होंने संभवतः ये निर्णय बदला है। जी, क्या लगता है अब इनकी राजनीति किस तरफ करवट ले रही है? देखिए, अजीत जोगी जी की जहाँ तक एक आंकलन है, एक मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं, उसके हिसाब से जनता कांग्रेस जोगी जितना भी प्रचार करे, जितना भी करे, मतदाता बढ़ सकते हैं, मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है उनके पक्ष में, लेकिन सीटों की अगर बात करें तो प्रदेश में अगर 4 या 5 सीटें जोगी कांग्रेस ला देती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया संजीव जी पूरी बात पर जानकारी देने के लिए। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में एकमात्र अनारक्षित जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रेखचंद्र जैन ने आज देवी दंतेश्वरी माता की पूजा करने के बाद नामांकन दाखिल किया। जगदलपुर से भाजपा के विधायक संतोष बाफना को पुनः भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशी जैन समाज से हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है।